Hey guys, this is Logan94 and welcome to my YouTube channel. Welcome back to another fresh episode of Samorost 3. जो पिछले एपिसोड में मैंने गेम ख़त्म कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी आप खेल सकते हैं, तो बस मैं वही कर रहा हूँ। गेम ख़त्म होने के बाद मैं खेल रहा हूँ और अपने स्पेसशिप में यहाँ पे मैं बैठ जाता हूँ। अगर आप चाहे तो उन मॉन्क के पास बैठकर अपना भोंपू भी चाहे तब तक बचा सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। अब यहाँ पे मेरी कुछ सारी या थोड़ी दो चार जो भी बची होगी वो मैं अचीवमेंट कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ और अपना स्पेसशिप लेके उड़ जाता हूँ। उड़ते ही मैं एक वॉर्म वाला प्लेनेट था जिस पे कीड़े की आत्माओं रहती थी, बस मैं वहीं पे उतर जाता हूँ और उनको थोड़ा सा खुश कर देता हूँ और वो मुझसे काफ़ी सारे खुश हो जाते हैं और फिर से मेरी एक अचीवमेंट ख़त्म हो जाती है। और अब बारी थी मुझे चंद्र पे जाने की, क्योंकि इस मून पर भी मुझे जाना था, तो बिल्कुल उसी तरह मैं उस चंद्र पे आ जाता हूँ। चंद्र पे आ जाने के बाद मैं रोबोट जो अब सो गया है उसको वो काले मणि की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो मैं बस वो उठा लेता हूँ, क्योंकि अब वो लेके क्या करेगा। थोड़ा ज़िंदा था, अब उसे मैंने ही मार दिया, क्योंकि वो मणि से उसे एनर्जी मिलती थी, तो वो मोती मैंने अब निकाल दिया। वो आपको भी थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा इस मोती की क्या ज़रूरत थी और हमने यहाँ से क्यों निकाला। तो यहाँ पर फिर से हम यहाँ से निकल पड़ते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मोती लेने ही आए थे और कुछ करने नहीं आए थे। तो जैसे ही मोती ले लेते हैं हम, तो वहाँ पे एक ब्लू मून होता है, तो बस हम उस ब्लू मून पर चले जाते हैं। और आपको मालूम होगा इस ब्लू मून पे जो मॉन्क बैठा है उसने हमें एक स्टोरी सुनाई थी कि वो काला मोती इसका होता है जो वो मॉन्क वो विलन मॉन्क लेके चला जाता है। तो बस यही मोती अब हम उसे वापस देंगे और वो अब खुश हो जाएगा, जैसे कि अब मैं उसे दे रहा हूँ, ए लो बच्चा तुम्हारा मोती। वो पागल हो जाता है अपना मोती लेकर और अपना मोती इसके अंदर डाल देता है और उसके ऊपर जाके बैठ जाता है। हम भी नाच उठते हैं क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं होता और वापस अपने स्पेसशिप में चले जाते हैं। और अपने स्पेसशिप में जाने के बाद अब मुझे एक ही काम करना है, मेरे होम प्लेनेट पे जाना था, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है तो मुझे सोना था, तो बस मैं आगे की ओर निकल पड़ता हूँ अपने सफ़र में। तो जैसे कि अब आप देख रहे हैं मैं सारे प्लेनेट उड़ उड़ के ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वापस जाना था और बिल्कुल उसी तरह मैं वापिस जा रहा हूँ। इतनी सारी गैलेक्सियाँ मैंने पार की बस उनकी थोड़ी सी मदद करने के लिए। अब उनकी मदद ख़त्म हो गई तो बस उन्होंने मुझे अपना उनका एक चौथा ट्रम्पेट जो बचा हुआ था वो मेरे को दे देते हैं और मेरे को लात मार के भगा देते हैं। तो बस इसी के साथ अब मैं अपना स्पेसशिप लेके अपने होम प्लेनेट पे आ जाता हूँ और अब मुझे कुछ नहीं करना, अपने बिस्तर पे जाके सो जाना है बस, और मैं उसी को अपना गेम प्ले ख़त्म करना कहूँगा शायद, क्या पता। लेकिन गेम तो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी होगी, उसका एंड भी दिखा दिया था कि चार मॉन्क बैठे भोंपूरा बजा रहे, लेकिन मैंने सोचा सबकी चीज़ें उनको वापस दे दी जाए। और यहाँ पर जैसे ही मैं आता हूँ तो मेरा कुत्ता आ जाता है और पैर चाटने लगता है, मैं उसको थोड़ा प्यार देता हूँ और थोड़ा खुश हो जाता हूँ क्योंकि मेरी अचीवमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। तो वापस अपने मैं घर में चला गया और घर में जाने के बाद मैंने नल चालू किया नहाने के लिए, लेकिन मेरे पास बाथटब नहीं था तो मैंने वापस बंद कर दिया और सीढ़ियों के सहारे मैं अपने टेलीस्कोप की ओर निकल पड़ता हूँ।
जैसे ही मैं यहाँ टेलीस्कोप खोलता हूँ तो मुझे एक सफरजन दिखता है। सफरजन है या कोई चेरी है मालूम नहीं, लेकिन उसके पीछे कोई कार्टून दौड़ रहा है। शायद इसके वो क्या कहते हैं उसको, कुछ कहते हैं, उसका नाम भूल गया। जैसे कि ये चेरी उठ रही है, बस हवा में ही है और कुछ नहीं। मैं जूम करता हूँ और देखता हूँ। हाँ, उसका नाम याद आ गया है। जैसे कि कोई गेम में ईस्टर एग होते हैं, बिल्कुल उसी तरह एक ऐसी कुछ हो सकता है इस गेम का ईस्टर एग भी। मैं आई एम नॉट श्योर कि यही होगा, लेकिन हो सकता है। और ये एक बग भी हुई उठ रहा है वो झाड़ी वाले प्लैनेट के गोल गोल। अब बस टेलीस्कोप एक आखिरी ओर ही घुमाना था, जो अब मैं ट्रिगर खींच के उसे घुमा देता हूँ चौथी ओर, मतलब चौथी दिशा में। और देखता हूँ तो वहाँ पे मुझे कुछ दिखता है, ये बग फिर से दिखता है, बस वही दिख रहा है। और फिर मैं अपने बिस्तर पर वापस आ जाता हूँ। और जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर सोता हूँ तो मुझे सपना आता है, रॉबर्ट और सारे मॉन्क और मैं सब मिलके खुश है। और इसी के साथ ये गेम प्ले यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये गेम प्ले पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।